शॉर्ट फिल्म भी लॉन्च हुई है और लोगों ने ऑलरेडी इतना सारा प्यार दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और लिटरली लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि उनको भी वो बहुत इमोशनल हो गए मूवी को देख के, और मैं खुश हूँ कि मैं इतना कन्विंसिंग कैरेक्टर प्ले कर पाई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत सारा प्यार देना। और ये है हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर आरुष तिवारी। मैं भी कहना चाहता हूँ कि फिल्म मैंने भी देखा और मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, मतलब कैसे कि कब मैं देखूँ। तो कल आज सुबह मैं 7 बजे गया था जहाँ पे एडिट हो रहा था, तो वहाँ पे जाके देखा। पहले बहुत अच्छा लगा, फिर रिलीज़ होने के बाद भी 2 बार देखा हूँ और अभी भी देखूँगा अंदर जाके, देखते बड़े पर्दे पे कैसा लगता है। नहीं, काम करके तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ, मतलब हमें जितनी भी टीम है सबके साथ काम करके ऐसा काम, मतलब हम एकदम फैमिली जैसा करते हैं, मतलब फैमिली वाले एक जन का नहीं है इसमें। आरुष है, मम्मी है, सिमरन है, भले वो पर्दे के सामने से पीछे, जो पर्दे के पीछे वाले लोग होते हैं उनका ज्यादा रोल होता है। तो मेरी फैमिली है, सब है, पूरी टीम है, सब। मेरा भाई है ये और मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी मुझे इसने बोला, दीदी आपको यूट्यूब पे आना चाहिए, दीदी आप आओ। इसने किया है सब और मुझे बोला दीदी आओ, तो इसके वजह से आज हम लोग यूट्यूब पे इतना आ गए हैं। आपके घर का प्रोडक्शन हाउस के द्वारा ये फिल्म बनी है, ये कैसा है आप लोगों को कि हाँ ये घर का मतलब प्रोडक्शन हाउस के द्वारा फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात होती है आजकल इस तरह की फिल्म बनाना, तो ये इतना बड़ा रिस्क कैसा लिया आप? तो जैसे कोई भी चीज़ में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, मतलब इट इज़ अप टू योर वर्क एंड अप टू योर डेस्टिनी। वो अच्छा हो रहा है नहीं अच्छा हो रहा है वो तुम्हारे काम के ऊपर है। तो हम लोग हर चीज़ में मेहनत पूरी दिलो जान से लगाते थे, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग का खुद का है, तो ऐसा नहीं कि किसी का प्रेशर भी हमारे ऊपर, तो अपने आराम से करो वैसा भी हम लोग कभी नहीं करते, पूरी मेहनत करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं और ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छे से हो जाता है। वैसे इस फिल्म में आप पोस्टर में देखा जाए तो आपने माँ का भी किरदार किया और प्रेग्नेंट का भी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ शेयर करना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया आरुष की जो भाभी है शी इज़ 9 मंथ्स प्रेगनेंट, तो मैंने उनके साथ बैठी हुई 1-1.5 घंटा मैंने उनको बताया, क्योंकि प्रेगनेंट होकर वो फील कैसे मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, तो ज़्यादा भागती हूँ तो भागती बोलती, चलती हूँ तो थोड़ा सा सांस फूलती है और आराम से बैठना होता है, ऐसा लगता है कि कुछ है वज़न जैसा। तो जब मैंने वो नकली बेबी बॉम लगाया था तो उसके अंदर एक छोटा सा पिल्लो रखा था और बड़ा दिखने के लिए, क्योंकि ना वो फील नहीं आ पा रहा था, मतलब छोटा लग रहा था कपड़े में, तो थोड़ा और बड़ा उसको दिखाने के लिए, इसलिए तो हम लोग ने इसकी भाभी से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मुस्कान के साथ फर्स्ट टाइम हम लोग ने काम किया, मैंने काम किया हूँ, और जब हाँ मुस्कान के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया और जब मैं गया तो मुझे लगा होगा ऐसे ही ठीक ठाक कुछ एक्टर होगी, मगर जब मैंने उनका काम देखा, मतलब उनका पैशन देखा इस फिल्म के बारे में, तो उन्होंने बहुत बहुत मेहनत से काम किया है और बहुत मज़ा आया काम कर। सब लोग बोल रहे हैं 24 घंटे में फिल्म बनी है, मगर ऐसा नहीं है, 24 घंटे में सिर्फ शूट हुआ है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत से बनी है पिक्चर और आप लोग को पसंद आएगी। आज आपने फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है और क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है और मुस्कान जी का मैंने देखा है कि काफ़ी मेहनत करते हैं वो और एवरीडे कुछ ना कुछ अपने स्टोरीज पे रील्स पे डालते रहते हैं वो और काफ़ी मेहनत करते हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी है, एक मैसेज जाता है महाराष्ट्र पुलिस को कि महाराष्ट्र पुलिस भी इसके ऊपर देखे और ध्यान दे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे। आपका किस तरह का कैरेक्टर है? मेरा गुप्ता का कैरेक्टर है और अच्छा कैरेक्टर है, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। क्या है मतलब थोड़ा अगर आप इलैबोरेट करें? थोड़ा यानी कि वो इस चीज़ के ऊपर बोलता है कि ये ऐसा वैसा होता है जो लड़कियों के साथ में रेप होते हैं, ये उसी के बारे में बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, इससे अच्छा लड़की पैदा ही नहीं होना चाहिए। मुस्कान जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और इतना मजा आया इनके साथ काम करके, मैं चाहता हूँ आगे भी साथ में काम करें। थैंक यू सो मच। 10 बजे आपको नहीं देखना है, प्रीमियर में आके देखना है, बट वो बोलते हैं ना कि क्लोज फ्रेंड्स है तो मन नहीं माना और हम लोग ने देख लिया घर पे ये चीज़ और फिर अभी हम लोग यहाँ पे आए, जिसके लिए हम लोगों को डांट भी पड़ी। एक्चुअली पॉइंट यही है कि हम लोगों को इसके लिए डांट भी पड़ेगी आपने क्यों देख लिया, बट द मैसेज इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड। ये मैसेज बहुत कम लोग देते हैं, ये बहुत ज़रूरी मैसेज है सब तक पहुंचना, तो दिस शॉर्ट फिल्म इज़ रियली नाइस, मस्ट वॉच इट। मुस्कान जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्कान के बारे में तो ऐसा है कि आई हैव सीन हर जर्नी
एक जीरो से शुरू करके यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. आप सब लोग को पता है कि मुस्कान अपने काम को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली लेती है, फोकस्ड है वो, एंड कंसिस्टेंसी जो मैटर करता है वो चीज़ उसके अंदर है. मतलब एवरी डे पोस्ट करना, मेहनत करना, अपनी चीज़ों को सामने लेके आना, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव, यूट्यूब पे भी एक्टिव, हर जगह पे एक्टिव रहना. सो शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड. For me, Muskan is one of the strongest women I've ever met or come across because exactly. she has gone through a lot and she tackles everything very strongly, which is very good for a creator. And उसके बाद एक regular basis पे content create करना is also a very big thing. So she is one of the strongest person I know and she is a very good creator.